फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन व्लॉग नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, सॉरी दोपहर का टाइम हो रहा है, 3:30। अभी 4 o'clock नहीं हुए, अम्मू उन्हें जाता है 4 o'clock को ट्यूशन। तो अभी हम आए थे ऊपर, यहाँ पर कपड़े धोने ऊपर, और लाइट चली गई है तो यहाँ पर बैठ गई मैं। और तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और ये लिट्टू देखिए, सब लोग डर गए। तो उन दिनों से सोच रही थी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट हो नहीं पा रहा है वो, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग में ही ऐड कर दें। और अभी जो है ना, सेमी ऑटोमेटिक मशीन से मैं कपड़े धो रही हूँ, और मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन भी है। और ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है, ये फ्रिज के जस्ट बगल में। और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो ख़राब नहीं है, अच्छी है, मतलब अच्छी कंडीशन में है। और इसने हमें इतना परेशान कर दिया, और 2-3 साल में कि हमको परेशान होकर फिर से ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन पर आना पड़ा। ये हम लोगों ने अभी बाई की थी 2-3 महीने पहले, आपने ब्लॉग देखा होगा। तब से मैं सोच रही थी कि इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि आपको कौन सी वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। देखिए ये तो अपने ऊपर है कि कौन सी ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मैं भी पहले सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करती थी, फिर मैंने फुली ऑटोमेटिक इसीलिए ली कि ये ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि जब जिस बारे में पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो हम ले लेते हैं और सोचते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है और हमें भी उसको यूज़ करना चाहिए और हमारा काम इजी हो जाएगा, तो सभी लोग यही सोचते हैं। और इसीलिए मैंने भी ली थी सेमी ऑटोमेटिक मशीन। बट मैं यह कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे जैसे फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो है, और मेरे जैसा ही आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या मेरे जैसे ही मतलब हाउसवाइफ हैं, वर्किंग नहीं है, या फिर वर्किंग भी हो, तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही लें, क्योंकि उससे हमारा सिर्फ मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा फुली ऑटोमेटिक मशीन में। बहुत से लोग यूज़ करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे जैसे फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे जैसे मतलब मेरे जैसा बैकग्राउंड है, आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, और तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप फुली ऑटोमेटिक मशीन तो कभी भी ना ख़रीदें, कभी भी बाय नहीं कीजिएगा। जी बेटा, हाँ गेट लगा लीजिए बेटा, भाई ट्यूशन जा रहा है, गेट लगा लीजिए। तो कभी भी नहीं ख़रीदें आप। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन पहले हम यूज़ करते थे, बट हम लोगों की ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा चलो इसको सही नहीं करवाते हैं और अब न्यू ख़रीद लेते हैं, फुली ऑटोमेटिक ख़रीद लेते हैं। तो हम लोगों ने इस एलजी की बहुत अच्छी कंपनी, सभी जानते हैं एलजी कंपनी, ये देखिए आप, ये एलजी कंपनी की फुली ऑटोमेटिक मशीन ली थी, और बस एक 100 पीस बनकर रह गई है और यहाँ पर फ्रिज के बगल में रखी हुई है, क्योंकि सेकंड हैंड कोई मुझे भी बेचना है, लेकिन कोई ख़रीदता नहीं है। तो बस मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी लेना है। मैं तो अगर सजेस्ट करती हूँ, अगर कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदने जा रहा है तो फुली बिल्कुल नहीं ख़रीदे। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में लगता है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और फुली में हमारा काम ईजी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, आपको ये परेशान ही कर देगी, और परेशान करने के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। तो मैं, लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ऊपर का रूम थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, क्योंकि बच्चे के साथ हो ही जाता है रूम गंदा, तो मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, वो भी धुल जाएगी, और पिलो कवर भी मैं निकाल लूँगी इसके, तो वो भी क्लीन हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी मैं। तो मैं यहाँ पर चादर चेंज कर रही हूँ और बेडशीट लगा दी है यहाँ पर, और लाइट भी आ गई है।
कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती, और अम्मू गए हैं ट्यूशन, और बस तो बच्चों का तो यही है, मस्ती है। मम्मा लोग काम करती हैं तो उनको इन्जॉय करने का मौका मिल जाता है। फिर मैं इसको पढ़ाऊँगी थोड़ा सा। लाइट आ गई है और मैं कपड़े जो पड़े थे वो निकाल रही हूँ, दूसरी डाल दूँगी इसमें। और मैं इसमें सर्फ के साथ साथ डिटॉल भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़े सब एक साथ धुलते हैं तो ये सही रहता है। डिटॉल एक एक छोटा कैप में डाल देती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं जो थे डले थे उसमें, वो निकाल लिए हैं और दूसरे कपड़े डाल दिए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे किचन में अपने लिए चाय बनाने, तो मैंने कहा चलो चाय पी लें पहले। और क्योंकि 5 o'clock हो ही गए, टाइम हो गया है शाम का। और देखिए यहाँ पर, और ये देखिए मैंने काजल लगाया था, वैसे डार्क सर्कल हो रहे हैं और काजल से फैल गया है बहुत ही। और मैं किसी भी ब्यूटी ऐप्स का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस जो ओरिजिनल कैमरा है उसी का यूज़ करके वीडियो शूट करती हूँ। और तो वैसे भी मेरा फेस क्लीन है, कुछ छोटे बहुत थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, वैसे मुझे कोई पिंपल्स वगैरह कभी ज़्यादा निकलते नहीं हैं। और मैं ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ती है फेस, मतलब स्किन की, और ठीक है मेरा स्किन जो, बस मुझे ये डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो चलिए चाय बना लेते हैं अपने लिए। बिट्टू अभी ऊपर ही हैं, अम्मू इस ट्यूशन से नहीं आया है, आता है 4 बजे जाता है, फिर आता है 5:30 तक। चलिए किचन में आ गए हैं, चाय बनाते हैं। और मैं चाय बना ली अपने लिए और बिट्टू के लिए, मैंने कहा मखाने फ्राई कर लूँ थोड़े से, तो मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। और बस चाय भी आधा कप दे दूँगी उसको, वैसे बच्चे हमारे दोनों ही बच्चे चाय नहीं पीते हैं, मैंने हैबिट नहीं डाली उनको चाय पीने की। बट अभी मौसम चेंज हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, गले में खराश है, तो आधा कप मैं दे रही हूँ। अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, अदरक लौंग वाली चाय, तो आधा कप चाय बिट्टू के लिए उनको दे दूँगी। और वैसे सर्दियों में भी नहीं पीते वो, टोस्ट वगैरह खाते हैं, रस लेते हैं, तो बस उतना ही चाय लेते हैं और फिर फेंक देते हैं। चाय बन गई है, अब मैं लेकर जा रही हूँ ऊपर, बिट्टू भी अकेले हैं ऊपर खेल रहा है, तो बस कपड़े धुल रहे हैं और चाय ले लेते हैं। शाम का टाइम हो गया है, अम्मू आता होगा ट्यूशन से। पानी पीना है? नहीं पीना पानी? क्या करने लगे थे आप मोबाइल में? अब बैग उठा लेना सीधे से, ठीक है? भाई ट्यूशन गया ना, आप मम्मा से पढ़ना। हॉलीडे तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घर पे बिल्कुल नहीं पढ़े। मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, ये कपड़े धो रहे हैं और सारे कपड़े जो सर्फ के पानी के हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, फिर वो पानी में फेंक देती हूँ, फिर इस टब में मैं फिर से पानी भरती हूँ, फिर कपड़ों को डाल के फिर से मैं 4-4, 5-5 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ, फिर इसमें ही मैं टब में निकाल लेती हूँ और फिर मैं ड्रायर में डालती हूँ। ड्रायर में भी मैं 5 मिनट के लिए डाल देती हूँ और 3 मिनट पानी के साथ और 2 मिनट ड्राई करके रखती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। इस तरह से कपड़े धोती हूँ और इसमें ही फिर से मैं एक थोड़ा सा डिटॉल डाल देती हूँ, तो बहुत साफ़ कपड़े धुल जाते हैं। इस तरीके से बहुत ईजी हो जाते हैं कपड़े धोना, आप भी ट्राई कीजिए। चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, बस ड्राई करना बाकी है। तो मैंने बताया मैं कैसे कपड़े धोती हूँ और इस तरह से बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। मैंने कहा चलो ये आपसे भी शेयर करें कि मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ, और शायद आपको भी ये मेथड ईजी लगे और आपके हेल्पफुल हो, आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए, और आपके कपड़े धुल गए हैं, अब मैं कर दे रही हूँ बाथरूम की सफाई, थोड़ा सा झाड़ू फेर दूँगी क्योंकि कपड़े धुलने से यहाँ पर गंदा हो जाता है। और ये बाथरूम मेरा सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है, और कुरेसी जी यूज़ करते हैं, बाकी हम लोग नीचे का ही बाथरूम यूज़ करते हैं। तो बाथरूम भी क्लीन हो गई है।
होने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी चेंज वेंज करके, और क्योंकि कुरेसी जी को जाना है ड्यूटी और 7 o'clock पर, तो मुझे जल्दी से डिनर भी तैयार करना है, नहीं तो मैं डिनर थोड़ा लेट से बना लेती। और डिनर में बना रही हूँ मैं यहाँ पर कीमा, और मैं कोई बस ऐसी नॉर्मल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया है गैस पर, मैं हरी मिर्च का कीमा बना रही हूँ, और मैंने तेल डालकर उसमें सीधा गरम मसाला डाला, और फिर जो ऑनियन मैंने काट कर रखी थी उसको डाला, फिर लहसुन अदरक को जो मैंने ऐसी कूट लिया था मैंने उसको अपने क्या बोलते हैं उसको खलबट्टा, हाँ खलबट्टे से कूट लिया था रफली। उसमें ग्रीन चिली हरी मिर्च यूज़ की है, मैं लाल मिर्च का नहीं बना रही हूँ। और फिर उसी में मैं पाउडर डाला फिर मैंने, और फिर मैंने डाला धनिया पाउडर, और बस कीमा डालकर मैं इसी कुकर का कैप लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है अब, और हरी मिर्च का कीमा ही बना रही हूँ मैं, इसमें बिल्कुल भी मैंने लाल मिर्च यूज़ नहीं की है। कुरेसी जी बोल रहे थे कि ऐसे ही भुरभुरा बनाना और जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं हो, जो हम नाश्ते में कहीं जाते हैं तो पैक करके ले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सीटी 4-5 सीटी दे दी हैं, और कीमा अच्छे से बन गया है, थोड़ा सा पानी है, कीमा बनाना था और पानी जितना था मैंने ड्राई कर लिया है। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इनके लिए, क्योंकि यह तैयार हो गए हैं बिल्कुल, बैठे हुए हैं खाने के लिए, क्योंकि ड्यूटी निकलना है बस 5 मिनट के अंदर खाना खाने के बाद। तो मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ, और यहाँ रोटियों की भी तैयारी हो रही है, वो वहाँ पर खाते जाएंगे खाना, और मैं यहाँ पर रोटियाँ गर्म गर्म सेक कर देती जाऊँगी। तो चलिए, आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा।